तो आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज अपने बात करेंगे 24 दिसंबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में, राजस्थान के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो ये अपना चैनल है WIR स्टडी पॉइंट चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं रोज़ाना पूछता हूँ, एक भी पूछ सकता हूँ, कई बार दो भी आते हैं आपके लिए, और कल वाला जो क्वेश्चन होगा उसका मैं आज जवाब भी दूंगा। चलो चलते हैं आगे। एक नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान में सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीताफल का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चित्तौड़गढ़। और इसके मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो राजस्थान का गौरव है उस वो चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, ठीक है। गढ़ों का गढ़ अर्थात कि जो इसके बारे में एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ अन्य सभी गढ़िया, ठीक है। गढ़ है वो चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, ऐसे कुछ इसके बारे में कहावत है। आगे और बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था और ये बेड़च और जो गंभीरी नदी है उन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। दोनों नदियाँ जहाँ पर मिलती है उस जगह पर स्थित है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा का जो पठार है, मेसा के पठार पर स्थित है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। आगे और बात करें चित्तौड़गढ़ में क्या खास है, चित्तौड़गढ़ में जो मातृ कुंडिया है जहाँ पर मेला लगता है हर वर्ष, तो उसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, ठीक है, मेवाड़ का हरिद्वार। और बात करें अफीम के जो देवता है सेठ सांवलिया जी, सेठ सांवलिया जी है उनका मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पे अफीम के देवता है, अफीम चढ़ती है बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। और मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर अफीम के देवता सेठ सांवलिया जी का मंदिर है। और आगे बात करें तो राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव है वो भी यहाँ मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। और मनाया कब जाता है? अब दिसंबर माह में मनाया जाता है, अब हाल ही में मनाया जाएगा, ठीक है। अब चल रहा है शायद कोरोना की वजह से ये अब की बार ना बनाया जाए, ठीक है। और बात करें तो जो जौहर मेला है वो भी लगता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो 1600 रानियाँ शहीद हुई थी पद्मावती के नेतृत्व में 1308 के अंदर जो साका हुआ था उसके अंदर, ठीक है, रतन सिंह ने जौहर किया था और सॉरी रतन सिंह ने केसरिया किया था और जो पद्मावती थी उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जौहर किया था 1600 रानियों के साथ। और ये जो मेला है वो कृष्ण एकादशी को लगता है, ठीक है, कृष्ण पक्ष की एकादशी को, अर्थात कि अपनी भाषा में देखें तो जो अंधेर पंख की ग्यारस होती है उस दिन लगता है ये। और बात करें तो मीरा महोत्सव है वो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, शरद पूर्णिमा को मीरा महोत्सव है वो मनाया जाता है। आगे अपने बात करें दो नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है अशोक गहलोत जो अपने सीएम है, ठीक है, राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और नरेंद्र मोदी अपने पीएम प्रधानमंत्री, ठीक है, ओम बिरला या अमित शाह? अमित शाह कौन है? गृह मंत्री है अपने, ठीक है, भारत के गृह मंत्री। और ओम बिरला है वो लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नरेंद्र मोदी जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को ये दिया गया है सम्मान। तो इसके मुख्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो वर्तमान में कौन है? बाइडेन है, बाइडेन, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री मोदी थे उनको सम्मानित किया है इन्होंने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, ठीक है। और अमेरिका में भारत के जो राजदूत है वो कौन है? वो है अरुण सिंह संधू। इसका थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि जो एग्ज़ाम है उनमें कई बार इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अरुण सिंह संधू है वो भारत की तरफ से अमेरिका के अंदर राजदूत है, ठीक है, कि अमेरिका की जो अपने बारे में जो बताता है, ठीक है, अपने को, तो वो राजदूत हो ये है अरुण सिंह संधू। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो बाइडेन है और आपकी जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है वो कमला हैरिस, ठीक है। और इन दोनों को अब की बार पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 है उसका अवार्ड इन दोनों को मिला है, बाइडेन और कमला हैरिस को। और बात करें तो प्रधान अपने भारत के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? तो रामनाथ कोविंद, ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और बात करें तीन नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के कितने अंकों को, कितने अंकों नहीं है ये, कितने ऊँटों को, ठीक है, ऊँटों को है, कितने ऊँटों को गणतंत्रता दिवस की जो परेड होगी कब होगी? अभी जो 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसकी जो परेड होगी उसमें शामिल किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 40, ठीक है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले कि गणतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो ये बनाया 26 जनवरी को क्यों जाता है? क्योंकि अपना जो संविधान है वो तो
26 नवंबर 1949 को ही बन के तैयार हो गया था। ठीक है, कई कहते हैं कि जो अपने संविधान है वो 1950 में लागू हुआ था, ठीक है, 26 जनवरी को, लेकिन ये बन के तो 26 नवंबर 1949 को ही किया था। तो ये 1950 को ही लागू क्यों किया, इसके पीछे एक रीज़न है, मैं बताता हूँ आपको, कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जब स्वतंत्र नहीं हुए थे अपने, उससे पहले की बात है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर घोषणा की गई थी कि अपने आने वाले जो 26 जनवरी है उस दिन अपने स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस, तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस 1930 में मनाया गया था। ठीक है, पहली बार स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था, तब अपने स्वतंत्र नहीं थे तो भी मनाया गया था, इसलिए उस तिथि को याद रखने के लिए, और जो ये उस तिथि को याद रखने के लिए इसी 26 जनवरी के दिन अपने भारत का संविधान है वो लागू किया गया, और इस दिन ये गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। और ये जो इस अधिवेशन की पूछ लिया आपसे कि जो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये अध्यक्षता की थी। आगे इसके मुख्य तथ्य अपने पास और भी है, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये रहा दिल्ली में गणतंत्रता दिवस है अब मनाया जाएगा, तो वो सबसे पहले दिल्ली के जो गणतंत्रता दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 1970 को पहली बार BSF के 90 ऊँटों को, ऊँटों का जो दस्ता है उनको शामिल किया गया था, सबसे पहली बार कब, 26 जनवरी 1970 को BSF के 90 ऊँटों को शामिल किया गया था। और ऊँट महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है बीकानेर में, और मनाया कौन से माह में जाता है, तो जनवरी माह में मनाया जाता है, अब की बार जनवरी माह में मनाया जाएगा। तो और बात करें तो राजस्थान का जो राज्य पशु है पशुधन श्रेणी में, तो वो कौन है, ऊँट ही है। ठीक है, और जो सीधा पूछे आपसे, राजस्थान का जो राज्य पशु है वो चिंकारा है, ठीक है, वन्य जीव श्रेणी से चिंकारा है। ठीक है, और जो पशुधन श्रेणी से आपसे पूछे तो वो ऊँट है। ठीक है, और इसे दर्जा कब मिला था, 2014 में, 19 सितंबर 2014 में, और जो ऊँट वध पर रोक है वो लगी थी दिसंबर 2014 को, ऊँट वध पर रोक लगा दी गई थी कि ऊँट का वध करना, इस पे रोक लगा दी थी कि कानूनी अपराध है ऊँट का वध करना। इसका जो ऊँट का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है केमलिन, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, केमलिन। ठीक है, केमलिन इसका वैज्ञानिक नाम। और ऊँट जो अनुसंधान केंद्र है वो जोहड़ भीड़ बीकानेर के अंदर है। ये आपकी करंट अफेयर के साथ साथ GK की भी तैयारी मजबूत हो रही है, इसके अंदर मैंने इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसके अंदर डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं। ठीक है, और बात करें तो जो कैमल मिल्क डेयरी है वो कहाँ पे स्थित है, तो बीकानेर पे, बीकानेर में, तो ये आपसे पूछ लेते हैं कई बार कई एग्जामों में। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा। 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसान दिवस मनाया गया है, क्योंकि ये किसान आंदोलन चल रहा है तो इसमें आपसे पूछ सकता है किसान दिवस के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि ये किसान आंदोलन है बहुत उग्र हो गया है, तो इसका आप बताओ कि 22 दिसंबर या 23 दिसंबर या अपने 21 दिसंबर या 24 दिसंबर। 24 तो आज ही है, आज तो नहीं होगा ना शायद, तो ये है 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये मैंने कल बताया था। ठीक है, और बनाया क्यों जाता है वो भी मैंने बताया था, पर थोड़ी सी डिस्कस और कर लेते हैं अपने। ठीक है, कि किसान नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी थे, कितने भारत के कितने कितना नंबर प्रधानमंत्री थे, वो 5वें प्रधानमंत्री थे, कौन, चौधरी चरण सिंह जी, उनकी जयंती है अभी हाल ही मनाई गई है, और उस जयंती को याद रखने के लिए, ठीक है, उनके सम्मान में किसान दिवस मनाया जाता है उनकी जयंती पे। ठीक है, उनकी जयंती है, किसान दिवस है वो मनाया जाता है, और इनका संबंध है आपसे पूछ ले तो वो कांग्रेस पार्टी से है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध है, और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो पूछे आपसे, तो 28 जुलाई 1979 से लेके और 14 फरवरी 1980 तक ही रहे थे, ये 1 साल का इनका कार्यकाल था। ठीक है, आगे अपनी बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, अपना राजस्थान, तो आपको बताना है प्रथम स्थान पे, द्वितीय पे, तृतीय पे या चतुर्थ पे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्वितीय स्थान पे रहा है। मुख्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं, अच्छा मुख्य तथ्य इसके में नहीं है, तो अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा, अभी जो हाल ही में जारी हुआ है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020, तो उसमें भारत की रैंक है वो कौन सी रही है, बताना ही है।
100वीं रैंक या प्रथम रैंक या 111वीं रैंक या 120वीं रैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 111वीं रैंक पे भारत रहा है। मुख्य तथ्य के बारे में बात करें तो ऐसे इस सूचकांक के में इस सूचकांक को जो कनाडा कनाडा के फेज इंस्टीट्यूट फेज है ये ठीक है, कनाडा के फेज इंस्टीट्यूट और कोटो इंस्टीट्यूट है वो दोनों मिलके इस सूचकांक को जारी करते हैं। किस सूचकांक को? ये मैंने बताया था कि भारत की 111वीं रैंक रही है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसका जो जारी कौन करते हैं? कनाडा का जो फेज इंस्टीट्यूट और कोटो इंस्टीट्यूट है ये दोनों मिलके इसको जारी करते हैं। और बात करें तो इस सूचकांक में व्यक्तिगत नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर संकेतों के आधार पर 162 देशों की रैंकिंग है वो की गई थी। 162 देशों में अपने भारत को 111वां स्थान मिला है, तो एक शर्म की बात है ठीक है। और बात करें तो ये स्वतंत्र जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 189 देशों में स्वतंत्रता सूचकांक सूचकांक सॉरी स्वतंत्रता विकास सूचकांक, हाँ सही है, जो मानव विकास सूचकांक है ना, मानव विकास सूचकांक, उसके अंदर उस सूची में भारत को 131वां स्थान मिला है ठीक है। ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, हमारे वो सर है प्रिंटिंग वाले तो वो क्या करते हैं कई बार, एक दिन क्या हुआ कि अपने वो देख रहे थे जब नाम वो जो आश्रम वेब सीरीज ना वो देख रहे थे, और ऐसे उसमें बैठे बैठे वो बना रहे थे क्वेश्चन बना रहे थे, तो एक ऑप्शन में लिखना तो था जापान ठीक है, उन्होंने लिख दिया जपनाम। तो उनसे एक दिन मैं मिलाऊंगा, तो वो क्या करते हैं कई बार जो उस उनके दिमाग में आ जाता है वैसे ही लिख देते हैं ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन के पे बात करते हैं अपने कि प्रसार भारती के नए सीईओ कौन है ठीक है, तो शशि थरूर या सुशील मोदी या शशि शेखर या इनमें से कोई नहीं। तो सुशील मोदी है वो तो अभी हाल ही में अपने जो बिहार है बिहार बिहार के जो निर्विरोध बिहार से निर्विरोध राज्यसभा के जो सदस्य बने हैं वो सुशील मोदी बने हैं, लेकिन इसका सही आंसर है वो है शशि शेखर ठीक है। तो मुख्य तथ्य के बारे में करें तो इन्हें हाल ही में एशिया पैसिफिक इसका जो क्वेश्चन पूछने का जो मुख्य मोटिव यही था कि इन्हें हाल ही में जो पैसिफिक ब्रॉडकास्ट यूनियन का जो उपाध्यक्ष है वो चुना गया है हाल ही में, तो उसका उस क्वेश्चन का पूछने का उद्देश्य मेरा यही था कि आपको ये बताना कि एशिया पैसिफिक जो ब्रॉडकास्ट यूनियन है उसका उपाध्यक्ष इन्हें चुना गया है। आगे बात करें 9 नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में सर्द महोत्सव मनाया सॉरी हर वर्ष ये सर्द महोत्सव मनाया जाता है लेकिन इस बार सर्द महोत्सव नहीं मनाया जाएगा, आपको बताना ये हर वर्ष कहाँ मनाया जाता है, पुष्कर अजमेर में या कांकरोली राजसमंद में या माउंट आबू में या झालरा पाटर झालावाड़ में। तो इसका मैं बता दूं कि सही आंसर होगा वो होगा माउंट आबू। मुख्य तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं, गुरु शिखर माउंट आबू की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू की क्या अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई है वो 1722 है, प्लस उस पर एक दत्तात्रेय जी का मंदिर है तपोस्थली है वो, वहाँ पे दत्तात्रेय जी एक संत हुए थे उनकी तपोस्थली है तो उनका वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। अगर उस मंदिर की भी ऊंचाई माप लें और साथ में जोड़ें तो 5 मीटर उस मंदिर की भी ऊंचाई है, तो ये हो जाती है 1727। तो कई किताबों में 1727 भी आपको देखने को मिल सकती है लेकिन ओनली उस गुरु शिखर की लंबाई है वो 1722 ही है, 5 जो उस पे मंदिर बना है उसकी है ठीक है। तो आपसे दत्तात्रेय की जो तपोस्थली है वो पूछे तो कौन से बताओगे आप, वो बताओगे गुरु शिखर ठीक है। और बात करें तो राजस्थान के जो गांधी है गोकुल भाई भट्ट, उनका संबंध भी कहाँ से है? सिरोही से, और कौन से? हाकल गांव से, हाकल गांव के रहने वाले थे गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी, क्या कहते हैं राजस्थान के गांधी। और बागड़ के गांधी है वो किसे कहते हैं? भोगी लाल पांड्या, भोगी लाल पांड्या ठीक है। और बात करें तो माउंट आबू राजस्थान का शिमला कहते हैं इसे, राजस्थान का कश्मीर है वो तो उदयपुर को कहते हैं, राजस्थान का जो कश्मीर है वो किसे कहते हैं? मैंने कल फिर बताया था आपको राजस्थान का कश्मीर उदयपुर ठीक है। और बात करें तो माउंट आबू में राज्य का पहला इको फ्रेज जोन स्थापित किया गया है, अब हाल ही में किया गया है राजस्थान, सॉरी हाल ही में नहीं किया गया, ये पहले किया गया था, राजस्थान का पहला है ये, पहला इको फ्रेजल जोन है वो स्थापित किया गया है माउंट आबू के अंदर। और बात करें दिलवाड़ा जैन मंदिर यहीं स्थित है, 2009 में या इस पे जो डाक टिकट है वो जारी की थी, आपसे पूछ लेते हैं कि दिलवाड़ा जैन मंदिर में उस पे जो जो डाक टिकट है वो कब जारी की गई थी,
उसका 2009 में की गई थी। और बात करें तो गोविंद गिरी ने जो सिरोही है वहाँ पे ही संप सभा की स्थापना की थी, संप सभा की स्थापना भी सिरोही में हुई है। और बात करें सिरोही की जो तलवारें हैं वो प्रसिद्ध है। अभी बात कर लेते हैं कल वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, कि सुरगा मेला है वो हड़ौती में किस मेले को सुरगा मेला कहते हैं, तो उसका सही आंसर होगा चंद्रभागा। तो मेरे कई दोस्तों ने इसका जवाब दिया था, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी है। और आज वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, ये एक साइंस का क्वेश्चन ही है आपके लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दोगे कि टीबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है, हाथ में, नाक में, पैर में या खोपड़ी में। तो इसका आप जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अपने कल।